निहाल सिंह हत्याकांड का हुआ पर्दाफाश, पुलिस मुठभेड़ में तीन अभियुक्तों को लगी गोली। देवरिया जनपद में हुए निहाल सिंह हत्याकांड में देवरिया एसओजी व पुलिस की संयुक्त टीम से बदमाशों की मुठभेड़, तीन को लगी गोली। मौके से अवैध शस्त्र व मोटरसाइकिल भी बरामद। पूरा मामला 7 नवंबर 2024 का है। थाना सुरौली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जद्दू परसिया के पास मुख्य मार्ग पर युवक शुभम सिंह उर्फ निहाल सिंह पुत्र विश्वजीत सिंह निवासी बराव थाना मदनपुर देवरिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में थाना सुरौली पर मृतक की मां के तहरीर पर मुकदमा संख्या 223/2024 धारा 103(1)(3)(5) का अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया था। देवरिया पुलिस टीम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के माध्यम से आरोपियों की शिनाख्त करते हुए उनकी गिरफ्तारी हेतु संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही थी। इसी क्रम में आज 12 नवंबर को मुखबिर की सूचना पर कोइलगढ़ा ठाकुर देवा पुल के पास पुलिस व बदमाशों की मुठभेड़ हो गई, जहां तीन अभियुक्तों को गोली लगी है। आलोक कुमार राजभर पुत्र रामकिशन राजभर निवासी नई खास थाना सुरौली जनपद देवरिया, ब्रिजेश गोस्वामी पुत्र वीरेंद्र गोस्वामी निवासी बेलाड़ार थाना गगहा जनपद गोरखपुर, अमन गिरी पुत्र राजेश गिरी निवासी कहला थाना गगहा जनपद गोरखपुर, इन तीनों अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगी है, जिसे देवरिया मेडिकल के इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है। वहीं अभियुक्तों के पास से अवैध शस्त्र, एक पिस्टल, दो देशी तमंचा, एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि पुरानी रंजिश को लेकर हम लोगों द्वारा शुभम सिंह उर्फ निहाल सिंह की हत्या की गई थी। पुलिस टीम द्वारा नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। दिनांक 7/11/2024 को अज्ञात अभियुक्तों द्वारा एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करते हुए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के माध्यम से अभियुक्तों की शिनाख्त कर पुलिस मुठभेड़ में तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल एवं अवैध शस्त्र बरामद किए गए हैं, जिसमें दो अभियुक्त जनपद गोरखपुर के थाना गगहा तथा एक अभियुक्त जनपद देवरिया के थाना सुरौली क्षेत्र अंतर्गत का निवासी है। थाना गगहा क्षेत्र अंतर्गत निवासी दो अभियुक्तों के विरुद्ध थाना गगहा पर हत्या के प्रयास, लूट व मारपीट आदि के संबंध में दर्जनों अभियोग पंजीकृत हैं। पुलिस टीम द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।